नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में विकास के मुद्दे पर सीएम का बयान, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को जल्द मिलेगी मजबूती, राज्य के नक्सलवाद की बदलेगी छवि। छत्तीसगढ़ में एजुकेशन अनलॉक, रायपुर में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी खोलने के आदेश जारी, क्षमता से 50% स्टूडेंट्स आएंगे, लापरवाही पर होगी FIR। बिना बिल के रत्नों का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महासमुंद में 1 करोड़ के कीमती रत्न जब्त, दूसरे राज्यों में लाते थे रत्न। बीजेपी की प्रदेश कमेटी ने युवा मोर्चा का गठन कर जिले और प्रदेश के पदाधिकारियों की जारी की सूची, अविनाश श्रीवास्तव बने बस्तर जिलाध्यक्ष। महापौर द्वारा दूरी पारा मंगला में 50 लाख की लागत से बन रहा SLRM सेंटर, बिलासपुर में जुड़े नए क्षेत्र में कराया जा रहा सेंटर का निर्माण। बिलाईगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, मौके पर पहुंची भटगांव थाने की पुलिस, प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए की मदद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। जिला कोरबा की बाकी मोंगरा मेन माइंस में मेन मार्केट तक जर्जर सड़क होने से धूल से हो रही परेशानी का जवाब यहाँ की जनता ने चक्का जाम कर और अपनी दुकानें बंद कर दिया। इस बीच SECL के अधिकारियों के द्वारा वार्ता के लिए 2 बारह आंदोलनकारियों के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने बिना जवाब के वापस आना पड़ा, क्योंकि आम जनता को सड़क बनाने के लिए टेंडर देखे बिना और जर्जर सड़क पर पानी छिड़काव शुरू किए बिना चक्का जाम समाप्त करने से मना कर दिया। इसके बाद SECL प्रबंधक सड़क निर्माण के लिए ही 34 लाख रुपए का टेंडर जारी किया, जिसका एक प्रति अधिकारियों ने आंदोलन स्थल पर सर्वदलीय मंच को सौंपा और तत्काल सड़क पर पानी छिड़काव शुरू किया गया। SECL प्रबंधक की लापरवाही के बाद ही सर्वदलीय मंच में चक्का जाम आंदोलन समाप्त की घोषणा की। छत्तीसगढ़ झोला राजनाथ गांव के छुई खदान ब्लॉक के ग्राम बुंदेली में व्यावसायिक परिसर निर्माण और इसके आवंटन में जमकर गड़बड़ी की गई है। नीलामी के लिए तय नियमों का उल्लंघन किया गया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच में गड़बड़ी भी उजागर हो गई है। जांच अधिकारी की ओर से प्रतिवेदन में इसकी पुष्टि कर दी गई कि नीलामी में नियमों का पालन नहीं हुआ। जांच अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की अनुशंसा भी कर दी गई, पर हैरत की बात यह है कि सरपंच और सचिव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टोरेट परिसर में प्रदर्शन किया और कहा कि CEO के पास कार्रवाई की मांग करने गए थे, उन्होंने दुर्व्यवहार किया। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले में पहले शिकायत की गई थी तो जांच अधिकारी आधी अधूरी जांच कर लौट आए थे, पर दोबारा शिकायत कलेक्टर के पास करने के बाद जाँच हुई तो गड़बड़ी सामने आई, पर अब कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रहे हैं। पंचायत बुंदेली से दिवाकर कुमार सोनी हूँ। मैं पूरा ग्रामवासी के साथ आज कलेक्टर में आया हूँ। सरपंच और सचिव के द्वारा मनमानी पूर्वक अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण करने में सरस्वती शिशु मंदिर को भी तोड़ा गया था, जिसमें 100-200 बच्चे पढ़ रहे थे, और गांव वाले को बोला गया कि अतिक्रमण करने के समय आपको प्रभावितों को चाल दिया जाएगा, और वो अनदेखे करके पैसा कमाने के चक्कर में नीलामी कर रहे थे। जब हम लोग रोक लगाए तो उसमें न मूल्यांकन था न TS लिया गया। भाजपा पार्टी की प्रदेश कमेटी ने युवा मोर्चा का गठन कर प्रदेश और जिला पदाधिकारियों की सूची जारी की। जिलेवार सूची में 19 जिलों में जिलाध्यक्ष चुने गए और इस कड़ी में बस्तर से अविनाश श्रीवास्तव को भाजपा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष चुना गया। जिलाध्यक्ष चुने के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ जिलाध्यक्ष का अभिवादन कर उन्हें बधाई दी। साथ ही जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने अपनी साथियों को बधाई दी और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को पद में नियुक्ति के लिए अभिवादन किया। भाजपा युवा मोर्चा के गठन के बाद बस्तर के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने अवनीश श्रीवास्तव को बधाई देते हुए उन्हें रीढ़ की हड्डी बनने के लिए शुभकामनाएं दी। जनता पार्टी के जिला बस्तर की अनुशंसा पे अविनाश श्रीवास्तव जी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला बस्तर का अध्यक्ष बनाया गया है। मेरी ओर से उनको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ कहा जाता है, जिसके ऊपर बहुत दायित्व तो है, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष नए अध्यक्ष के जो हैं वो अच्छे तरीके से उठाकर जनता को राहत पहुँचाने के काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पूरे बस्तर जिले में बढ़े, साथ में बस्तर संभाग में बढ़े, ऐसी चिंता करेंगे। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और बहुत लंबे समय से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है,
स्वाभाविक है, बहुत हर्ष का विषय है मेरे लिए और नई चुनौती भरा है और पार्टी ने मेरे कंधे पर जो संगठन युवा मोर्चा की जवाबदारी दी है ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। महापौर रामचरण यादव द्वारा धुरीपारा मंगला में 25 लाख की लागत से बन रहे SLRM सेंटर का निगम बिलासपुर में जुड़े नए क्षेत्र में 6 SLRM सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है जिसका भूमि पूजन किया गया। इन सेंटरों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा डोर टू डोर निकलने वाले गीला और सूखे कचरों को अलग कर गीला कचरे से खाद बनाया जाएगा, वहीं सूखे कचरों को सीधा बाजार में बेचा जाएगा, जैसे कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आजीविका चलेगी। साथ ही इस सेंटर में बनाए जाने वाले खाद को संबंधित क्षेत्र के किसान सीधे सेंटर में भी खरीद सकेंगे। भूमि पूजन में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। खबर बलाईगढ़ से है जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि बोलेरो की ट्रक से टक्कर हो जाने के बाद 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के तत्काल बाद भटगांव थाना और बलाईगढ़ थाना की टीम मौके पर पहुंची और मृतकों को प्रशासन की ओर से 25,000 रुपए के मुआवजे का आश्वासन के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। खबर कोरबा से है जहां पर सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस ने बालको प्रबंधन के साथ मिलकर विशाल बाइक हेलमेट रैली निकालकर लोगों को हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाने का संदेश दिया। रैली में पुलिस और बालको प्रबंधन के करीब 250 बाइकर शामिल हुए और गौरतलब हो कि जिले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच 32वां राष्ट्रीय सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। लोक नाटक के माध्यम से अन्य चौपाल लगाकर अलग अलग क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के थ्रू ये उनको जागरूक किया जा रहा है और उनको ये बताया जा रहा है कि आप जो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से घटनाएं होती हैं तो आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, जैसे शराब पीकर वाहन नहीं चलाना है, हेलमेट रेगुलर पहनना है, अगर बड़ी गाड़ियां हैं तो उसमें सीट बेल्ट आपकी लगी होनी चाहिए। तो इन प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको लोगों के बीच जा करके उनको बताया जा रहा है। बेजापुर में 7 फरवरी को हुए IED ब्लास्ट में शहीद जवान मोहन नाग के पार्थिव शरीर को कोंडागांव के ब्लॉक फरसगांव में अंतर्गत स्थित ग्राम बड़े डोंगर लाया गया जहां पर जवान का अंतिम संस्कार उनके परिजनों एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में किया गया और उस दौरान शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री विधायक संतराम नेताम, कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम, कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, बिलासपुर पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 2.5 साल के सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा, मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, हाईकमान और सीएम भूपेश बघेल का पूरा सहयोग है। ताम्रध्वज साहू एक सिंपल कार्यकर्ता है, टिकट मिलेगी तो नहीं तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, पार्टी की के लिए काम करूंगा। बल्कि ये कह दिया कि बाबा की बात बाबा जाने। वरीयता हमेशा है,
मेरे को कोई नज़रअंदाज नहीं करता, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा स्नेह सहयोग और पूरा समर्थन रहता है मेरे साथ, हाई कमान का भी रहता है, और वो आपको दिख रहा है आज गुजरात जैसे जगह में जहां नरेंद्र मोदी वहां मुझको जिम्मेदारी दी गई, तो मेरी वरीयता तो है, महत्वाकांक्षा तो होगी कुछ, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, ताम्रध्वज साहू नाम का आदमी सिंपल आदमी है, उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, टिकट मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, काम मेरे करना है सबको। जिला में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सड़क हादसे पर नियंत्रण को लेकर परिवहन विभाग द्वारा हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सुरक्षा मार्ग माह बनाने का निर्देश दिया गया है। कोंडागांव यातायात पुलिस द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करते हुए पैम्फलेट बैनर बांटे जा रहे हैं व लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही 3 दिनों में शराब पीकर ट्रक चला रहे 3 ट्रक ड्राइवर पर अब तक 30,000 रुपये का चालान किया जा चुका है और ऐसे ही लगातार जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। रायगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके राज्य में छत्तीसगढ़ की हर एक चीज बिकाऊ है। 8 फरवरी 2019 को कोड़ा तराई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर गरजे थे। कहा था कि कांग्रेस ने 55 साल तक गरीबों को सिर्फ बर्बाद किया है। ठीक 2 साल बाद कांग्रेस पर इसी तरह की गर्जना सुनाई दी, लेकिन इस बार पीएम की जगह पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर रमन सिंह ने सूबे की कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। 152% दर में सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त मामले में कहा कि बड़ी ही निर्ममता से यह खेल खेला जा रहा है और सालों से रह रहे गरीबों को उनके घर से निकालना कहां से गरीब है तैशी सरकार के लक्षण है। गरीबों के लिए पीएम आवास योजना की 60% रकम केंद्र सरकार से आ गई, पर राज्य सरकार बाकी के पैसे काट रही है और 6 लाख घरों को गरीब तक पहुंचने नहीं दे रही। सारंगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कोसीर उलखर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रेसवार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें कोसीर उलखर ब्लॉक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता देवी विश्व चंद्रा की अगुवाई में किया गया और प्रदर्शन में जिला पंचायत सदस्य सारंगढ़ कांग्रेस रायगढ़ के अध्यक्ष अरुण माला का उपस्थित रहे। साथ ही काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व किसानों की उपस्थिति देखी गई और इस किसान सम्मेलन में जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ ग्रामीण के अध्यक्ष भाजपा सरकार पर जमकर बरसे और कृषि बिल को किसान विरोधी बताया। एसपी के तात्पर्य है कि खुदरा मूल्य कब का होना चाहिए, वास्तविक मिनिमम। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोसी द्वारा पीसीसी के और जिला कांग्रेस के निर्देश में किस अन्नदाताओं के समर्थन में किसान सम्मेलन और प्रेस वार्ता रखा गया है, जिसमें प्रदेश की जनता, प्रदेश के समस्त किसान, उनको जागरूक करने के लिए कांग्रेस उनके साथ खड़ी है ये बताने के लिए आज हमने ये सम्मेलन रखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी और भाजपा के 3 नए जो काले कानून हैं, जिसमें देश के किसानों को बहुत ही अहित होने वाला है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर महासमुंद से है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव अमरजीत चावला ने आंदोलनरत किसानों में से शहीद हुए अन्नदाताओं को श्रद्धांजलि देते हुए किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन होने की बात कही और कहा है कि अगर मोदी सरकार छत्तीसगढ़ में किसान हित में किए गए कार्यों को रोल मॉडल बताती है तो पूरे देश के किसान खुशहाल होते और उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूर्व जिलाध्यक्ष अमरजीत चावला ने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए तीनों किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग की। मोदी सरकार कड़ाती ठंड में सड़कों पर उतरकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहा है और मोदी सरकार ने ये सोचा था कि ये कानून किसानों को जल्द समझ में नहीं आएंगे, पर मोदी सरकार के साथ दिक्कत ये हो गई कि ये कानून किसानों को पूरी तरह से समझ में आ गए। इसलिए किसान आज सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर। वैश्विक महामारी कोरोना की चेन को रोक लगाने के लिए जांजगीर चांपा में भी कोरोना का दूसरे चरण का वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। जहां स्वास्थ्य कर्मियों के बाद राजस्व नगर पालिका के फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीनेशन उनको दिया जा रहा है और इसी क्रम में जांजगीर जिला कस्बा अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर सबसे पहले कलेक्टर यशवंत कुमार ने वैक्सीन लगवाई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए वैक्सीन कारगर साबित होगी। हेल्थ वर्कर्स के लगने के बाद जो दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के, नगर पंचायतों के वर्कर्स, इन सब का लगना आज से प्रारंभ हो गया है। तो मैंने शुरुआती दौर में स्वयं को लगवाया है ताकि ये आप लोगों से अपील कर सकूं मैं, और आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने स्वयं इसको लगवाया है, ये बिल्कुल सेफ है। जांजगीर चांपा जिला के धान खरीदी प्रभारियों ने जिला विपणन अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सड़क में उतर कर जमकर नारेबाजी की। समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने के बाद धान खरीदी प्रभारियों को धान के उठाव की चिंता सताने लगी है और धान का उठाव शीघ्र नहीं होने से धान खराब होने सूखने के साथ साथ चूहा द्वारा धान का नुकसान करने की भरपाई कैसे की जाएगी, इस मामले को लेकर धान खरीदी प्रभारियों ने जिला विपणन अधिकारी पर उठाव नहीं कराने का आरोप लगाया और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर तत्काल धान उठाव कराने की मांग की। हमने धान उठाव के लिए आंदोलन किए हैं। धान वो तीन मांगे हैं हमारी, धान का उठाव हो जाए, प्रासंगिक एवं सुरक्षा व्यय में वृद्धि हो और धान में जो सूखत आ रही है उसकी भरपाई शासन द्वारा की जाए। समिति कर्मचारी धान उठाव के लिए के आंदोलन किए हैं, शासन के निर्देश पे अभी उचना मिलर काम कर रहे हैं, परिवहन कार्य नहीं किया जा रहा है, इसकी सूचना हम शासन को बताने के बाद जो भी निर्देश मिलेगा कार्रवाई की जाएगी। बस्तर में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत बीजापुर जिले के तरेम में जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए बम की चपेट में सीआरपीएफ का जवान मोहन सिंह ने शहीद हो गए थे। बस्तर में नक्सलियों के विरुद्ध एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी दौरान मोहन सिंह शहीद हो गए। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को जगदलपुर के पुलिस लाइन में लाए गए जहाँ शहीद जवान मोहन सिंह नाग को गार्ड ऑफ ऑनर श्रद्धांजलि दी गई। बस्तर आईजी सुंदर राज के पुलिस अधीक्षक दीपक झा, सीआरपीएफ के आला अधिकारी सहित पुलिस के जवान और कांग्रेसी नेता बीजेपी नेता सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की
और शहीद जवान के पार्थिव शरीर को गृहग्राम कोंडा गांव जिले के बड़े डोंगर भेजा गया। दिनांक 7 फरवरी को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बीजापुर जिला का बासौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्तगलूर गांव में एक आईडी गैस में हमारे एसटीएफ के जवान मोहन लाल घायल हुआ। बाद में उपचार के दौरान उनका घायल के कारण से शहीद हो गए थे। उसका आज अंतिम सलामी वर देकर उनके गृहग्राम बड़े डोंगर जिला कोंडागांव के लिए उनके पार्थिव शरीर को रवाना की गई है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।